नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा लगातार आपके साथ बने हुए हैं, खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले जिक्र सीहोर से मिल रही बड़ी खबर का। खुले बोरवेल में मासूम बच्ची गिर पड़ी है, सूचना के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंची है टीम। यहां पर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। ग्राम मुंगावली का यह पूरा मामला, कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। सृष्टि कुशवाहा नाम की मासूम जो कि बोरवेल में जा गिरी है, जिससे रेस्क्यू के लिए लगातार कोशिशें जमीनी स्तर पर की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद है, रेस्क्यू के लिए तमाम टीमें यहां पर मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए, सृष्टि की ये तस्वीर, यही वो बच्ची जो कि बोरवेल में गिर पड़ी है। स्थानीय लोग भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, जेसीबी से खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें ये प्रत्यक्ष करती हैं कि तमाम कोशिशें प्रशासनिक स्तर पर यहां पर शुरू हो गई। खुले बोरवेल में मासूम बच्ची जा गिरी, सूचना के बाद फौरन रेस्क्यू की टीम यहां पर पहुंची है। इस बच्ची को निकालने के लिए मशक्कत शुरू हो चुकी है। ग्राम मुंगावली का यह पूरा मामला, कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। सृष्टि कुशवाहा बच्ची का नाम, बताया जा रहा है कि खेलते खेलते मासूम बोरवेल में जा गिरी। स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला, रेस्क्यू की टीमों को बुलवाया गया, यहां पर प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे और अब ये देखिए युद्ध स्तर पर जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। जेसीबी के जरिए पैरेलल में गड्ढा खोदने की कोशिश भी लगातार चल रही है। जमीनी स्थिति भी आप देखिए, लगातार मशक्कत की जा रही है इस बच्ची को जितनी जल्दी हो सके इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। सूचना के बाद रेस्क्यू की टीमें मौके पर तैनात। तस्वीरें आप देखिए, इस स्थल पर कलेक्टर एसपी सभी मौजूद हैं। सही कि प्रदीप से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या हालात है जमीन पे? अवंतिका, रेस्क्यू टीम इस समय एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जो पूरी प्रण प्राण के साथ में सभी का ये एक ही लक्ष्य कि किसी भी तरह से ये जो बालिका सृष्टि कुशवाहा 2.5 साल की, इसको बचाया जाए और ऑक्सीजन भी अंदर डाली गई है ताकि बच्ची को प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे ज्यादा इसमें अच्छी बात यह है कि अभी बच्ची 20 फीट ही नीचाई पर है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन वाले मामले में अगर जितनी स्पीड से करेंगे उतनी जल्दी लड़की रिकवर हो सकती है। जी अवंतिका, अब साथ ही साथ ये भी बताइएगा प्रदीप कि कितने फीट तक बच्ची मौजूद है, अब कब तक निकाला जा सकेगा और साथ ही साथ किस तरह से निकालने के प्रयास जा रहे हैं, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पता चलता है कि पैरेलल गड्ढा खोदने की कवायद शुरू हुई है। प्रदीप, देखिए मुगावली गांव सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अभी कल ही बोरवेल खुदा हुआ था। जैसे ही बोरवेल खुदा, इसके बाद बोरवेल में कैप लगाने की प्रक्रिया चली रही थी। इस दरमियान आज जो है इस बच्ची का अचानक उसके अंदर गिरना इस बात का प्रतीक है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, चूक हुई है जो बोर मालिक है। और अभी जो बोर की जो एसडीआरएफ टीम ने अंदर स्केल डाल के जो मैपिंग करी है उसमें उनका ऐसा अंदाज लग रहा है कि लगभग अभी बालिका जो है केवल 20 फीट की गहराई पर ही नीचे मौजूद है। प्रदीप, बच्ची की तरफ से क्या अभी तक कोई रिएक्शन रिकॉर्ड किया गया है? क्या उसकी आवाज आ रही है वहां से? हाँ जी हाँ, बराबर ऊपर से लोग, जब एसडीआरएफ की टीम चुकी, अभी किसी को पास जाने नहीं दे रही है, इन्होंने बच्ची से बकायदा बात करी तो बच्ची के रोने की आवाज आई है, बच्ची को चुप कराया गया, बच्ची से कहा गया हम आपको निकाल रहे हैं और जैसी मशीन से 20 फीट गहराई के अंदर खुदाई जो है युद्ध स्तर पर जारी है इस समय। प्रदीप, सवाल ये भी कि जब ये सब हुआ तो परिवारजन क्या कर रहे थे, कहां पर मौजूद थे? साथ ही साथ आप चूंकि बच्ची की मूवमेंट्स भी देखी जा रही है, उसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई तैयारियां अभी तक? देखिए, कलेक्टर प्रवीण सिंह मौके पर मौजूद है, एसपी महंगा बस्ती मौजूद, उनका कहना है कि चूंकि बच्ची अभी अंदर गिरी है, हम सबका एक पास प्रायोरिटी है कि किसी भी तरह से हम बच्ची को बचाना चाहते हैं, इसलिए अभी इस पूरे मामले पर उनका ध्यान सिर्फ इस पर फोकस है कि रेस्क्यू करके कैसे भी बच्ची को बाहर निकाला जाए। इसके बाद वो शॉर्ट आउट करेंगे आखिर गलती किस प्रकार की, जब जो जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था आसपास की, जब बच्ची गिरी तब भी प्रशासन इस पूरे मामले पर पूरे सीहोर में कैंपेन चलाया था कि कोई खुले बोर्ड तो नहीं है, जो देगा उसको हम इनाम भी देंगे। तो कलेक्टर साहब कहना है कि पूरा मामला जो है अब पहले बच्ची पे हमारा फोकस है, रेस्क्यू के बाद ही हम अगली कार्रवाई करेंगे। प्रदीप, इस क्षेत्र को लेकर भी जानकारी आपसे चाहूंगी कि अगर पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है तो क्या कुछ आशंकाएं निकलकर सामने आएंगी, क्या आसान होगा इस बच्ची को यहाँ से निकालना? देखिए, ये कि मुगावली जो गांव है, ये मूलतः कृषि प्रधान गांव है और यहाँ पर पूरा कृषि का कार्य चलता है, कृषक लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मुगावली गांव के अंदर जो मट्टी है वो दुर्मुट टाइप की मट्टी है और दुर्मुट मट्टी के अंदर खुदाई अगर सही समय पर अपंतिका हो जाती है तो ये चांस बन सकता है कि बच्ची को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए जमीनी स्तर पर लगातार चल रहा है, कोशिशें की जाने की सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। इलियास कॉलोनी स्थित गोदाम में भीषण आग लगी है। भीषण आग लगने के चलते सारा सामान जलकर राख हो चुका है, अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आप देखिए, दमकल की टीमें यहां पर पहुंची हैं
कड़ी मशक्कत की गई और अब जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, किस वजह से आग लगी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हादसे में राहत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सिर्फ सामान जलकर नष्ट हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, आग की लपटें और धुएं का गुबार चारों ओर होता हुआ। भीषण आग के बाद मौके पर किस तरह की अफरा तफरी बनी मची, ये भी आप देखिए। स्थानीय लोगों ने फौरन दमकल की टीमों को बुलाया, अथक प्रयास के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। राहत भरी बात यही कि लोग सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इधर व्यापम केस में सजा का ऐलान हो चुका है। कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 का यह पूरा मामला सिलेक्ट हुआ था इसमें, और देवेंद्र रघुवंशी का नाम जैसे ही सामने आया, फर्जी तरीके से हासिल की गई थी नौकरी, इस बारे में भी तथ्य निकलकर सामने आए। एसटीएफ की जांच में फर्जी नियुक्ति का खुलासा हुआ और फौरन कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर। व्यापम केस को लेकर सजा का ऐलान, देवेंद्र रघुवंशी जिसका नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा था, 7 साल की सजा सुनाई गई है भोपाल की सीबीआई कोर्ट की तरफ से। परीक्षा 2013 में हुई थी, सिलेक्ट हुआ था देवेंद्र रघुवंशी, लेकिन फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करना सामने आया। एसटीएफ की जांच में फर्जी नियुक्ति का जैसे ही खुलासा हुआ, एक्शन की तैयारी में सीबीआई की तरफ से, अब कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि 7 साल की सजा देवेंद्र रघुवंशी को सुनाई गई। तो व्यापम केस में सजा का ऐलान हो चुका है, आरोपी देवेंद्र रघुवंशी 7 साल की कैद। एसटीएफ की जांच में फर्जी नियुक्ति का खुलासा और उसके बाद फौरन एक्शन। सहयोगी शैलेंद्र इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से? शैलेंद्र, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल, ये 2013 में इसने व्यापम के माध्यम से परीक्षा दी थी और कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से इसने दाखिला लिया था और उसी के आधार पर ये पूरा मामला जो है वो व्यापम जो मामला देख रहे थे सीबीआई कोर्ट में ये चल रहा था और उसके बाद इसको दोषी पाया गया है। इसके खिलाफ जो धाराएं थी 419, 420, 463 सहित अन्य जो धाराएं हैं उसमें इसको खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा ये बताया गया था कि सॉल्वर को बिठाकर इसने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, खुद नहीं बैठा था बल्कि इसके जगह इसके दूसरे किसी साथी ने परीक्षा दी थी और उसके बाद ये पास हुआ था, तब से ये नौकरी कर रहा था। अब जो है कोर्ट ने इसको को 7 साल की सश्रम कारावास और 10,000 का जुर्माने से दंडित किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की ओर करेंगे। न्यायधानी में रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को कुचल दिया है, कई दोपहिया वाहनों को भी टक्कर मारी है। नशे में धुत्ता कार सवार, ये बात सामने आ रही है। अग्रसेन चौक के पास की पूरी घटना, घायलों को जिला अस्पताल फौरन भर्ती करवाया गया। दोनों युवकों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई, आरोपी कार सवार और ड्राइवर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज, पास लगे कैमरे से ये तस्वीरें सामने आई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, कार सवार व्यक्ति बताया जा रहा है कि नशे में धुत था और जैसे ही गाड़ी यहां पर पहुंचती, देखिए दो पहिया वाहन को टक्कर मारते हुए आगे भी अन्य वाहनों को टक्कर मारता हुआ ये व्यक्ति कार लेकर यहां से फरार होने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। अग्रसेन चौक के पास की पूरी घटना, कई दो पहिया वाहनों को टक्कर मारी है, 2 युवकों को कुचला है, हालत बेहद गंभीर, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी कार सवार और ड्राइवर गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत होकर ये सब कुछ करना सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला साफ तौर पर दिखता है किस तरह से तेज रफ्तार ये ड्राइव कर रहा था और साथ ही साथ आगे जितने भी लोग मौजूद थे सभी को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता गया। सही, युगल से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। युगल, क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी देखिए, रफ्तार का कहर इसे कह सकते हैं, जिस तरह से तेज रफ्तार जो कार आई है और पहले देख बाइक सवार को रौंदा, उसके बाद कई बाइक सवारों को ठोकर मारते हुए कार आगे बढ़ गई और फिलहाल जो सिविल लाइन पुलिस है, आरोपी जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूरे मामले की जांच कर रही है। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया है कि
नशे से धुत था और इसी उसी नशे की हालत पे वो वाहन चला रहा था। और आप सोच सकते हैं कि इस तरह के बीच सड़कों पर अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी चलाएगा तो क्या स्थिति होगी। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है और न्यूज 18 की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर में जो दिख रही है कि किस तरह से रफ्तार का कहर है वो देखने को मिला है। और इस तरह से दुर्घटनाएं हैं, यही वजह है कि शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं या फिर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, तो यही वजह है दुर्घटना का, यही कारण और सबब बन गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। और चलिए अब चर्चा करेंगे दमोह केस की। गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर बच्चे और परिजन अब सामने आए। मीडिया के सामने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ से नए नए खुलासे हो रहे हैं। स्कूल की एक छात्रा ने हिजाब पहने, दबाव बनाने, नमाज पढ़ने सहित कई मामलों को लेकर खुलासा किया। स्कूल के एक छात्र ने कलावा और टीका लगाकर नहीं स्कूल आने दिया जाता था, इस पॉलिसी का भी खुलासा किया है। बच्चों के एक अभिभावक ने स्कूल के बारे में कई बड़ी बातें कही हैं। लगातार नए नए खुलासे गंगा जमुना स्कूल को लेकर सामने आ रहे। कार्रवाई का दौर एक तरफ जारी और दूसरी तरफ बच्चों की तरफ से भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने को लेकर दबाव बनाया जाता था। अगर कलावा और टीका पहनकर स्कूल आते थे तो विरोध किया जाता था, स्कूल की पॉलिसी थी। बच्चों के अभिभावक की तरफ से भी बात कही गई कि स्कूल के बारे में तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आपत्तिजनक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं तीन तस्वीरें। दमोह के हिजाब वाले स्कूल में लब पे आती है दुआ गाते छात्राएं देखी जाती हैं। दूसरी तस्वीर टीचर्स के धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। तीसरी तस्वीर में हिंदू छात्राएं हिजाब में नजर आ रही हैं। सर तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो और मारते थे। कौन करता था ये सब कुछ? सर बड़े सर। कौन थे बड़े सर? बड़े सर। क्या क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये सब पहन के नहीं आया करो, स्कूल में नहीं चलता। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? फिफ्थ। और किस किस तरह से परेशान करते थे? सर उर्दू नहीं बनती थी हमसे तो वो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे और पहन के जाते थे और जैसे दो दिन गए थे तो मारते थे स्टिक से और उठक बैठक करवाते थे। हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन इंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। और इस पूरे मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान सामने आया। उन्होंने अफसरों की लापरवाही की बात करते हुए कहा कि सभी ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई। डीईओ को हटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। दमोह कलेक्टर ने भी तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया, बड़ी बात सामने आई है। कलेक्टर पर एक्शन लेने का काम सीएम करेंगे। अवैध गतिविधियों की जांच चल रही है और स्कूल की मान्यता को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन को, वहां के कलेक्टर को तत्काल कार्रवाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन यानी कलेक्टर लगातार प्रेस में आकर के उसको बचाव करने के बयान दे रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है तत्काल उस डीओ को हटाना, साथ में उनकी क्या भूमिका रही है, उनकी लापरवाही कह रही है, उसको भी जांच के दायरे में हम ले रहे हैं। जांच आने पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और हमारी ओर से ये प्रयास होगा कि हम एक नीति बनाएं यूनिफॉर्म को लेकर, ड्रेस को लेकर के, जो इस प्रकार का व्यवहार ऐसे संचालक करते हैं उन पर नियंत्रण रखने का। और दमोह से अगली बड़ी जानकारी, जहां जिला शिक्षा अधिकारी के चेहरे पर स्याही फेंकी गई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, इसी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला। गंगा जमुना स्कूल मामले में लगातार आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है हिंदू संगठनों का, स्याही फेंकने का ही मामला। अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठने के बाद आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा पर स्याही फेंकी गई, ये तस्वीरें आप देखिए। हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे, जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल थे। ये पाया गया था कि उनकी संलिप्तता भी इस पूरे मामले को लेकर है और उसके बाद जैसे ही कार्यकर्ता आक्रोशित हुए स्याही फेंकी गई।
और इसी मामले को लेकर एक और बड़ी जानकारी, गंगा जमुना स्कूल की तीनों शिक्षिकाएं सामने आई हैं। मीडिया के सामने शिक्षिकाओं का बयान भी दर्ज किया गया है। स्कूल पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद टीचर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि बेबुनियाद आरोप इस पूरे मामले को लेकर स्कूल पर लग रहे हैं। स्कूल में धर्मांतरण नहीं हुआ है। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने पहुंची हैं शिक्षिकाएं। स्कूल में ज्वाइनिंग के काफी पहले उन्होंने विवाह कर लिया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और हमारे मोहम्मद सर, हाजी मोहम्मद इदरीस सर, उनका इस बारे में इस मैटर से लेके कोई संबंध नहीं है। हम लोग का वो पर्सनल डिसीजन था, तो इस बात को आप स्कूल से क्यों जोड़ रहे हो? आपका अभी जो नाम है अफसाद शेख है, अफसाद शेख, इसके पहले आपका क्या नाम था? जी, मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव। परिवार की सहमति से हुआ? जी, मेरी खुद की सहमति। जब मैं बालिग हो गई, मुझे संविधान भी ये अधिकार देता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से धर्म को मान सकती हूँ। प्रेम विवाह? जी, प्रेम विवाह। पहले मेरा नाम प्राची जैन था, उसके बाद जब मेरा निकाह 27/1/2004 में हुआ, और वो भी मेरी मर्जी से हुआ, किसी का दबाव नहीं था। स्कूल का तो बिल्कुल नाम जो लिया जा रहा है, बार बार मीडिया ले रही, हाजी सर का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ था 27/1/2004 में और स्कूल खुला है 2012 में, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन की है। चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दोस्त सही की आशीष जैन दमोह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना दुबे भोपाल से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। आशीष, नित नए खुलासे दमोह के इस धर्मांतरण के केस को लेकर सामने आ रहे हैं। अब शिक्षिकाओं की तरफ से भी बयान, अभी तक क्या कुछ तथ्य इस केस से जुड़े सामने आ पाए? अनिश्चित में आपको बता दूं कि धर्मांतरण का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टर विवाद से यह पूरा विवाद शुरू हुआ और धर्मांतरण पर जाकर के अभी तक की अपडेट थी, तो दोपहर होते होते इसमें नया खुलासा सामने आया है। चूंकि इसमें तीन शिक्षिकाओं के जो नाम लिए जा रहे थे, जिनके धर्मांतरण की बात कही जा रही थी, वो शिक्षिकाएं स्वयं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, वहां पर उनके द्वारा आवेदन दिया गया और यह कहा गया कि उनके द्वारा बालिग होने पर स्वेच्छा के साथ धर्म परिवर्तन किया गया, शादी की गई, इसका गंगा जमुना स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि स्कूल उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, उसके पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया और धर्मांतरण किया है, लेकिन इससे वो गंगा जमुना स्कूल को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर के, उससे कहीं भी कनेक्शन नहीं है। तो इस मामले पर लगातार परत दर परत नई चीजें खुलकर के सामने आ रही हैं। तो अब यही बात है आशीष के, नित नए खुलासे हो रहे और लगातार उलझता जा रहा है अभी मामला। दमोह से निकलकर भोपाल तक पहुंचने में इस मामले को बिल्कुल भी देर नहीं लगी। रंजना, कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहा, सीएम ने भी सख्ती दिखाई और अब सिलसिलेवार कई बड़े खुलासे। जी अवंतिका, बिल्कुल दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसमें कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं दमोह में, उन्होंने जब स्कूल को मान्यता दी और उस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से काम किया, तो इसमें लापरवाही की गई है और अभी फिलहाल डीओ की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल डीओ को हटाने के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। कलेक्टर की भूमिका को लेकर कहा है कि जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए वो खुद सीएम लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक स्कूल संचालक का सवाल है, जिस तरीके से धर्मांतरण, पीएफआई कनेक्शन और टेरर फंडिंग की बातें निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की कार्रवाई रहती है। वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना फिलहाल जानकारी के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार और सूरीनाम के लोगों की ओर से ये विशेष भाव दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने पर बधाई। सूरीनाम की सरकार और लोगों का ये विशेष भाव हमारे देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान की भी तस्वीरें, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम की तरफ से इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, देश के लिए गौरवपूर्ण विषय, इससे दोनों देशों के बीच मित्रता भी बढ़ेगी, ये बात ट्वीट में प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।